नमस्ते छात्रों, YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लॉर्ड वेलेजली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर जॉन सोर के बारे में पढ़ा था। तो यदि आप लोग हमारे पहले वाले वीडियोज को ध्यान से देखेंगे तो इतिहास विषय से महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा, सर जॉन सोर के बाद 1798 ईस्वी में वेलेजली भारत का गवर्नर बनकर आता है। और वेलेजली एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। इसके समय में भारत की जो राजनीतिक स्थिति है काफी खराब थी। वेलेजली के समय में मैसूर का सुल्तान टीपू था, हैदराबाद के निजाम फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त कर रहे थे, और इस समय मुगल बादशाह शाह आलम था वह नाममात्र का शासक था, और पंजाब में राजा रणजीत सिंह है उसने भी अपनी स्थिति काफी अच्छी कर रखी थी, और इस समय मराठों का उत्तर और मध्य भारत में विस्तार हो रहा था। ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़ और बरार में भोंसले और इंदौर में होलकर का शासन था। ये सभी शक्तियां आपस में हमेशा से लड़ती आ रही थी, और इन सभी के लिए वेलेजली ने सर जॉन शोर की अहस्तक्षेप की नीति को त्याग कर साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी, ठीक है। तो देखिएगा, जो लॉर्ड वेलेजली है इसने एक महत्वपूर्ण कार्य और भी किया था, वह था इसकी सहायक संधि। और सहायक संधि मतलब इसके द्वारा इसने भारतीय राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित किए और उनको ब्रिटिश राज्य के अधीन बनाया था, ठीक है। तो देखिए, पढ़ते हम लॉर्ड वेलेजली का इतिहास। तो सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार। तो वेलेजली को भारतीय राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित करने की नीति को भारतीय इतिहास में क्या कहा गया? सहायक संधि के नाम से जाना गया। और सहायक संधि के बारे में हम आपको आगे विस्तार से पढ़ाएंगे। तो देखिएगा, मतलब कि जो लॉर्ड वेलेजली है इसने और दूसरा कार्य क्या किया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम लोग आपको आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू अंग्रेजी सेना से लड़ता हुआ मारा जाता है, और मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड ने लॉर्ड समाज आयरलैंड का जो लॉर्ड समाज है उसने वेलेजली को मार्क्विक्स की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। और यदि आप लोगों को विस्तार से आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानना तो आप पहले वाले वीडियो को देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 साल में लड़ा गया था, और इसमें होता है कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड है इसने वेलेजली से प्रार्थना की थी कि वेलेजली उसे पुनः पेशवा बनाने में सहायता प्रदान करे। वेलेजली ने पेशवा के समक्ष शर्त रखी कि यदि वह सहायक संधि स्वीकार कर ले तो वह उसे पुनः पेशवा बना सकता है, ठीक है। और जो बाजीराव सेकंड है इसने ये शर्त स्वीकार कर ली, और 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि हुई थी, और ये मतलब एक तरह से सहायक संधि थी। तो 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की जो संधि हुई, इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में जो क्षेत्र मिलाए गए वो कौन कौन से थे? हैदराबाद और अवध और मैसूर, मराठे, भोसले और तंजौर, ठीक है। और वेलेजली द्वारा एक अन्य और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, वो था फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना करना। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना कलकत्ता में 17 जुलाई 1800 ईस्वी को वेलेजली द्वारा की गई, और इसमें प्राचीन विद्याओं और भाषाओं का अध्ययन भी करवाया जाता था, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो था वेलेजली के बारे में। आगे के वीडियो में हम आपको और भी इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। तो तब तक बने रहें हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।